अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे जी। आज की जो हमारी लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही प्रीटी सी लुक है। आप लोग देख सकते हैं, स्पेशली जिनकी आईज स्माल हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि मैं डिटेल में आप लोगों से स्टेप बाय स्टेप शेयर कर सकूँ। और जी, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लोग फिर अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये डार्क ब्राउन शेड है, इसको मैं अप्लाई करूँगी जस्ट हाफ क्रीज पे, क्योंकि जस्ट मुझे एक मार्जिन चाहिए कि मैंने कितना आई शेडो को अप्लाई करना है अपने आईलिड पे और कितनी डेप्थ क्रिएट करनी है। उसके बाद ये कॉर्नर में मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी इसी शेड के साथ। तो ये हो गया हमारा मार्जिन। उसके बाद क्या करेंगे जी, ब्लैक पेंसिल है, इसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पर हमारी नेचुरल क्रीज पड़ रही है, इस पे मैं इसको इस तरह से अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद मैंने क्या करना है जी, ब्लैक आई शेडो लेना है ब्रश पे, बहुत ही फ्लैट सा ब्रश लेना है। इसकी हेल्प से मैंने इसके साथ इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है, ताकि थोड़ी सी, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से क्या होगा कि हमारी लुक में थोड़ी सी डेप्थ आ जाएगी। नेक्स्ट जी, हमारा जो मेन आई शेडो है वो है ग्रीन शिमरी शेड है, इसको मैं अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर अपने आईलिड पे। अच्छी तरह से हमने इस शेड को फिक्स कर लेना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, आईलाइनर लगाना है। तो इसको हम जस्ट आउटर कॉर्नर से एक छोटा सा विंग ड्रा करेंगे, इस तरह से बहुत ही थिन सा। आप लोगों ने ज़्यादा इसको थिक नहीं करना, क्योंकि इस लुक में हमने आईज़ को थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो इसलिए इस टाइप में आप लोग आईलाइनर लगाएंगे। उसके बाद जी, जहाँ पर हमारी नेचुरल क्रीज पड़ रही है यहाँ से हम नीट कर लेंगे अच्छी तरह से, आईलाइनर से एक क्रीज ड्रा कर लेंगे दोनों आईज पे। नेक्स्ट जी, हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देना है, ताकि ये जो हार्श सी एक लाइन नज़र आ रही है लाइनर की, ये सही हो जाए। और इसके साथ साथ क्या हो के डेप्थ हमें चाहिए, हमें क्रीज नहीं चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डेप्थ क्रिएट होगी है हमारे लुक में। अब हमने क्या करना है जी, हमने क्रीज पे जो ब्राउन आई शेडो अप्लाई की हुई है, इसको पूरी क्रीज पे अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर देंगे, और थोड़ा सा इसको क्या करेंगे जी, अपना लुक को स्मूथ कर लेंगे। नेक्स्ट जी, बहुत ही लाइट सा पिंक शेड है, इसको मैं आउटर लोअर लाइन पे विद हेल्प ऑफ ब्रश एप्लीकेशन कर दूंगी, जस्ट लुक को नीट करने के लिए। वैसे हमने लोअर लाइन पे कुछ भी डार्क अप्लाई नहीं करना है, वाटर लाइन पे वाइट पेंसिल मैंने अप्लाई की है। नेक्स्ट जी, हमने करना है अपनी लैशेस को अच्छी तरह से मस्कारा, एक एक लैश को हमने सेपरेट कर लेना है, और जी इसी तरह से हमने लोअर लैशेस को भी अच्छी तरह से मस्कारा कर लेना है, ताकि हमारी लुक जो है मज़ीद प्रीटी हो जाए जी। अब ये एक टेक्निक है, आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने आई लैश ली है, इसको मैं दोनों साइड से जो छोटी लैशेस हैं इनको मैं कट कर लूँगी, जस्ट सेंटर वाला जो हमारा पार्ट था उसको दो में हमने कट आउट कर देना है। तो ये दो पार्ट्स आ गए, इसको मैंने आउटर कॉर्नर पे इस तरह से अप्लाई कर लिया अपने आईज़ के, तो बहुत ही प्रीटी सा लुक आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं इससे आईज़ क्या है, बहुत लंबी लंबी और बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं। और जी, जिनकी आईज़ छोटी हैं उनके लिए ये ज़बरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और बहुत ही हेल्पफुल ये टेक्निक है। आप लोग जिनकी आईज़ छोटी होती है ना, वो पूरी लैश अप्लाई ना किया करें, फेक जो लैशेज हैं उनको जस्ट आप लोग कॉर्नर में इस तरह से अप्लाई किया करें, तो इस तरह से आप लोगों का ये लुक क्रिएट होगा जी। जो चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना न्यू एंड ट्रेंडी लुक्स के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए जी। इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।